सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। 26 अप्रैल को बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी। हालांकि कोई था जिसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में नहीं आने वाले। पार्टी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि राहुल गांधी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। कई नेताओं को लग रहा था कि चुनावी रणनीतिकार दूसरी पार्टियों से फायदा उठाने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर से जुड़े सूत्र बताते हैं कि वैसे संदेह और गलतफहमियां दोनों तरफ थीं। पीके को एम्पावर्ड एक्शन कमेटी में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने पेशकश ठुकरा दी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि एक मौका उन्हें दिया गया था कि आप भी कांग्रेस के यज्ञ में शामिल हो जाइए। पता नहीं क्या कारण है कि वो इसमें शामिल नहीं हुए। उनके क्या कारण रहे होंगे वो ही बताएंगे। कांग्रेस पार्टी के खिड़की दरवाजे खुले रहते हैं, सबकी सलाह सुनते हैं। हम एक जीवंत संगठन है, कभी खिड़की दरवाजे बंद नहीं रखते। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि पीके को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव 2 दिन पहले ही दिया गया था और उन्होंने मना कर दिया। हम नहीं जानते क्यों। सूत्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के राजनीतिक सचिव बनना चाहते थे। सूत्रों ने कहा, राहुल गांधी ने पहले दिन ही कह दिया था कि पीके नहीं आएंगे। ये पहली बार नहीं है जब उन्हें पार्टी में पद ऑफर किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह 8वीं बार था जब चुनावी रणनीतिकार के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर बातचीत हुई। प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए कांग्रेस नेताओं से संपर्क साधा था। राहुल गांधी का मूड भाप कर पीके ने कथित तौर पर प्रियंका गांधी के साथ बैठकों पर जोर दिया। प्रशांत किशोर के प्लान की समीक्षा करने वाले समूह में चिदम्बरम भी थे। कमेटी में कई कांग्रेस नेताओं ने उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन वे पीके पर भरोसा नहीं कर पाए। पीके के प्रस्ताव की समीक्षा करने वाले ग्रुप में शामिल कई नेताओं को लग रहा था कि वो भरोसेमंद नहीं है और कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने पॉलिटिकल ग्रुप आईपैक से दूरी बनाने और कांग्रेस के साथ अपनी विशिष्टता बनाए रखने को लेकर उठे सवालों पर भी प्रशांत किशोर ने कहा था कि वो आईपैक के बड़े शेयर होल्डर नहीं हैं और समूह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो वो उसे करने के लिए नहीं कहेंगे। प्रशांत किशोर के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि उन्हें इस बात पर संदेह था कि कांग्रेस लीडरशिप उनके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कड़े फैसले लेगा। उन्हें लगा कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व उनके प्लान के पूरी तरह सपोर्ट में नहीं था। उसी समय राहुल गांधी के विदेश दौरे ने संदेह को गहरा कर दिया। पीके के करीबी सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर बड़े फैसले लेने वाले चुनिंदा लोगों में से हैं और वो इससे दूर दिखे। वो मुश्किल से ही किसी बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पहले से निर्धारित अपने विदेश दौरे को तवज्जो दी, जबकि पार्टी को लेकर बड़े फैसले के लिए वो इसे स्थगित भी कर सकते थे। दरअसल पीके कांग्रेस में अपने लिए सीनियर पोस्ट या कह लीजिए नंबर 2 जैसी हैसियत चाहते थे, जैसे वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और अमरिंदर सिंह के साथ सीधे टच में रहे थे। वो चाहते थे कि सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करें और देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर अपने प्रस्ताव को लागू करने के लिए उन्हें पूरी छूट मिले। हालांकि प्लान फेल हो गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।